महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाने वाले सीमा मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन विभाग अमरावती का चेक पोस्ट है, जहां पर सीमा मार्ग से जाने आने वाले वाहनों की जांच तथा ओवरलोड पर दंडित करने की कार्रवाई की जाती है। शनिवार के दिन आरटीओ चेक पोस्ट बहिरम पर आने वाले वाहन क्रमांक RJ4KJA4113 इस आयशर पर तरबूज भरा था, जो पथरोड से ट्रक लोड हुआ था, जिसमें नियम के अनुसार गाड़ी अंडर लोड होकर धर्मकांटा की पावती थी। यह गाड़ी बहिरम चेक पोस्ट पर रोकी गई। गाड़ी में 60 किलो वजन ज्यादा रहने का बोलकर 22,000 रुपए दंड कराया गया। इसी प्रकार संतरे से भरा ट्रक अकोट से हरियाणा जा रहा था, इस ट्रक में भी नियम के अनुसार लोड था, फिर भी बैरियर के कांटे में तफावत पाई गई। चालक मालक अशोक कुमार ने बताया कि जानबूझकर प्रादेशिक परिवहन विभाग के कांटे में हेराफेरी कर खुलेआम वसूली शुरू है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा मार्ग पर जोड़ने वाले इस सीमा मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन विभाग अमरावती का एक चेक पोस्ट बैरियर है। इस चेक पोस्ट बैरियर पर खुलेआम धन उगाही चालू है। यहाँ पर अंडरलोड वाहनों को ओवरलोड बताकर उनसे पैसों की वसूली की जाती है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो इन वाहनों को ओवरलोड बताकर उन पर दंडित करने की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार की कार्रवाई शनिवार के तड़के यहाँ पर हुई। शनिवार के दिन यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो एक गाड़ी जो है पथरोड से भर के आ रही थी तरबूज की, इस गाड़ी पर भी कार्रवाई की गई। आयशर यह ट्रक था, 4113 ये वाहन नंबर था। आपको बता दें कि इसी प्रकार अकोट से हरियाणा जाने वाले संतरा भरे ट्रक पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई। इस ट्रक से भी 22,000 का चालान यहाँ पर वसूली किया गया। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में ये वेट को लेकर के हुआ। हमारी गाड़ी अंडर लोड है, इन्होंने ओवर लोड का चलान काटा है। और एक बात और है, रात को ये दूसरे वाला कांटा चालू था जिसमें डिफरेंस आता है, और उसके बाद इन्होंने वो वाला कांटा शुरू कर दिया। रात से वो कांटा बंद पड़ा है, और बीच वाला कांटा जो है दूसरे वाला जिसमें वेट कम दिखाता है, वो कांटा इन्होंने चालू किया हुआ है रात से ही। तो साहब का बोलना क्या है? हमारा बोलना तो ये है, हमारे से जो फाइन लिया गया, हम तो रात से बोल रहे हैं हमें वापस कीजिए। और किसी भी भाई कोई और भी गाड़ी आती है तो उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं हमारी कंपनी का ये है वो है। आप कंपनी में आपकी मेल डालेंगे, आप हमारे को एप्लीकेशन दो। हमने एप्लीकेशन भी लिख के दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन आरटीओ साहब कह रहे हैं कि आप जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मालिक है ट्रक के? मैंने ये अकोट से गाड़ी लोड करी थी संतरे की, और यहाँ पे बजरंग दल जिला से जो निकली है, उसके बाद में यहाँ पे काटा करा मैंने, तो मेरी गाड़ी ओवरलोड बताई गई। और मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरी गाड़ी का दोबारा से इन्होंने काटा करने का मौका नहीं मिला। बोला एक बार पहले फाइन भरो, उसके बाद में आपको दोबारा से काटा होगा। फिर मेरे से फाइन भरवाया, फाइन भरवाने के बाद में कांटा करवाया। कांटा कराने से दोनों कांटों में 60 किलो का डिफरेंस है, दोनों की पर्ची है मेरे पास। तो आपसे पैसे भी मंगे गए ऐसा सुनने में आए? पैसे लिए ना सर, 22,000 रुपये पहले भरवाए, उसके बाद में ही कांटा दोबारा से करना पड़ा, इन्हीं के कांटे पे करवाया वापसी। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहे थे आप? ये अकोट से लोड करा है, और हरियाणा का लोड है मेरा, और हरियाणा रोहतक का है। यहाँ के आरटीओ अधिकारी राजकुमार इस बात में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं नियमों के आधार पर कार्रवाई की गई। जब आपको बता दें कि जो वाहन जहाँ से वाहन भरकर निकलता है तब वो खाली होता है, इस वाहन को खाली करने के पश्चात इसको धर्म कांटे पर लगा के इसका कांटा होता है, जिसके बाद उसमें माल भरने के बाद फिर उसका कांटा होता है, और वो पावती मिलती है। वो पावती के आधार पर यह जो है सीमा मार्ग पर आरटीओ क्रॉस करता है, परंतु सीमा मार्ग के धर्म कांटों पर अंडर लोड वाहन ओवरलोड कैसे हो रहे हैं, यह भी एक संदेह इस पर बाद है। इस बात की भी जांच जो है आरटीओ प्रादेशिक अधिकारी गीते द्वारा की जानी चाहिए। 41G A4113 ही गाड़ी काल संध्याकाळी 5 दरम्यान काट्यावर आली, त्यांना वेब्रिज प्रमाणे ते ओवरलोड असल्याप्रमाणे त्याला चलान देण्यात आले आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आलेला आहे। त्या गाडीला तेव्हाच रिलीज करण्यात आलेला आहे। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को उजागर करने वाले बजरंग दल के अचलपुर जिला संयोजक अभय वाजपेयी ने इस पूरे मामले को उजागर करते हुए यह ओवरलोड का जो सेटलमेंट है यह उजागर किया कि किस प्रकार से अंडरलोड वाहनों को ओवरलोड बताकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर ही कुछ लड़के खड़े होते हैं जो
गाड़ी आने पर उसे ओवरलोड कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए, आरटीओ से हम आपका सेटलमेंट करवा देते हैं। पैसा नहीं देने पर उन गाड़ियों को ओवरलोड बताया जाता है, जबकि यहाँ पर दो कांटे हैं। यह मुस्टंडे युवक जो है ये आरटीओ अधिकारी द्वारा पाल रखे है या नहीं, इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। बजरंग दल जिला संयोजक, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये आरटीओ पर आज से नहीं, कई दिनों से अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ से 500 मीटर पर कई लड़के खड़े होते हैं और इनको साक्षात्कार होता है कि यहाँ पर किस प्रकार गाड़ी ओवरलोड रहती है। उसी प्रकार का एक मामला आज देखने को मिला, अंडरलोड गाड़ी को इन्होंने 22,000 का चालान किया। जिस प्रकार के जो यहाँ पर हर वक्त कार्य किए जा रहे हैं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग करता हूँ। जय सियाराम। साहब का बोलना क्या है इस पे? जो साहब का बोलना ये है कि भाई ये चालान 22,000 का फट चुका है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इस विषय का उनका व्याख्यान मेरे पास आया हुआ है। अब ये जो मालक चालक है, ट्रक ड्राइवर जो ये माल लेके जा रहे थे, अब ये बोल रहे हैं हमारे को हमारे रिटर्न पैसे दो, क्यों? फिर तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी इनसे जिस प्रकार चर्चा हुई हुई है, तो इनका कहना है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और हमको आपका साथ चाहिए। तो बजरंग दल ऐसे अवैध कामों के लिए इन कामों का निषेध करता है और ऐसे जो ड्राइवर है और इनका भरपूर सहयोग करता है, और बजरंग दल के माध्यम से हम इस अवैध कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जय सियाराम। आपको बता दें कि यह युवक एक अनुसूचित जाति जमाती के होने के कारण यह अट्रोसिटी की धमकियां देने से भी नहीं चूकते, यही नहीं तो हमला करने से भी नहीं चूकते। इन आरटीओ अधिकारी पर, संबंधित लोगों पर और अस्थाई काम करने वाले युवकों पर कार्रवाई करने की मांग बजरंग दल के संयोजक अभय बाजपेयी की है। मैं कैमरामैन विजय काकड़े के साथ नीतेश किलेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा। पोस्ट पर तैनात अस्थाई कर्मचारी चेक पोस्ट से 500 मीटर दूरी पर तैनात है। जो कोई भी माल भरकर आने वाले वाहनों को ओवरलोड है यह कहकर उनसे वही आरटीओ से सेटलमेंट करने की बात कहते हैं। जब वाहन चालक मना करे तो उसका वाहन आरटीओ चेक पोस्ट पर धर्म कांटे पर ओवरलोड बताकर उससे जबरदस्ती 22,000 रुपए का चालान किया गया। यह वाहन ओवरलोड करने के लिए 5 से 10 मुस्टंडे युवक कांटे पर खड़े होकर वजन बढ़ाते हैं। यह पूरा मामला बजरंग दल जिला संयोजक अभय वाजपेयी ने उजागर करते हुए शनिवार के दिन बहिरम आरटीओ पहुंचकर दो वाहनों का चालान की जाँच करने के बाद पूरा मामला सामने आया। आरटीओ चेक पोस्ट पर 500 मीटर पर तैनात अस्थाई युवक अनुसूचित जाति के होने के कारण यह वाहन चालकों को एट्रोसिटी एक्ट का अपराध दर्ज कराने की धमकियां देने से नहीं चूकते। अभय वाजपेयी के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एट्रोसिटी एक्ट का गुनाह दर्ज करने की धमकी भी अस्थाई कर्मी युवकों ने देने की घटना हुई।